हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे 12.2 अध्याय से क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। उसमें कहता है पाई का मान लेने के लिए 1.7। तो सबसे पहले इस जो बना है ये त्रिज्या खंड, उसकी जो है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी जो ये त्रिज्या वो है 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर हुआ। अब जो ये हमें जो है कोण दिया नहीं है, तो कोण जो है यहाँ पर कहता है रूट जो है 3 मान लेने के लिए √3 का मान जो है 1.7। तो यहाँ पर जो है हम 60 डिग्री देंगे, क्योंकि सूत्र में जो है साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा में जो है √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, यही मान होगा यानी 60 डिग्री होगा इसका। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे, तो सबसे पहले हमें त्रिज्याखंड ओ ए बी बी ओ का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसमें ये जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड, यहां से स्टार्ट करेंगे ओ ए पी बी, फिर यहां पर हम चले जाएंगे ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल पता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहां पर हम लिए हुए है 60 डिग्री, तो यहां पर हम देंगे 60 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई, पाई का मान इसमें लेंगे हम 22/7 गुने आर, आर का मान जो यहां पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर है, तो यहां पर हम उसको दो बार लिखेंगे 28 गुने 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी सेंटीमीटर यहां पर भी सेंटीमीटर। अब काटेंगे 0 से 0 काटेंगे 6×36 6 बेर में, अब यह 7×28 4 बेर में, फिर ये द्वितीया 6 और दूसरी दूनी 4। अब जो है गुना करेंगे इस 22 को 28 को, अब 2 को हम अगर गुना करते हैं तो 1232 होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1232 बट्टा में होता है ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो है ये त्रिज्याखंड ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल जो है 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का अब जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लिखेंगे फिर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 r² साइन थीटा। तो त्रिभुज ओ ए बी का जो त्रिज्याखंड में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 r² साइन थीटा। तो यहाँ पर हम भरेंगे तो 1/2 r, r का मान जो है यहाँ पर 28 दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर गुने साइन थीटा, थीटा का मान जो 60 डिग्री है यहाँ पर हम भरेंगे 60 डिग्री। अब 1/2 गुने 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर गुने, अब साइन 60, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, यहाँ पर देंगे √3/2। अब जो है यहाँ पर हम √3 का जो है मान कहता है भरने के लिए 1.7 लेने के लिए कहता है, तो हम 1.7 लेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 गुने 28 गुने 28 गुने √3 का मान जो है 1.7 है, तो लिखेंगे हम 1.7/2, इसको हम जो है पॉइंट उड़ा लेंगे, तो दशमलव के आगे में जो है एक अंक है तो एक जीरो हम यहाँ पर दे देंगे। अब हम काटेंगे तो ये दूसरे 28 जो कटेगा 14 बेर में, अब ये जो है 4 से काटेंगे 4×5 20 4×7 28 इतना हो गया, 4×5 20 और 4×7 28 तो हो गया 14, 7 और 17,
14 7 और 17 को जो हम यहाँ पर गुना करेंगे तो होता है 1666। यहाँ पर लिखेंगे हम तो यहाँ पर जो है जगह नहीं है क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर चलेंगे हम। तो अब 14 7 और 17 को गुना करेंगे तो होगा 1666 बट्टा 5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि उसमें जो कहता है छह डिजाइन जो बने हुए हैं, तो सबसे पहले एक हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले जो यो मतलब ये हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है OAB, या हम उसको समीकरण ही मान लेंगे, तो इतना नहीं लिखना होगा, तो इसको समीकरण मानते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण टू, अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ पर जो है लिखना होगा हमें, यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर समीकरण एक माइनस टू से, यानी त्रिज्याखंड OABBO का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अब जो है हमें यहाँ पर निकला है त्रिभुज त्रिज्याखंड OABO का क्षेत्रफल 1232 बट्टा 3 माइनस, अब ये जो निकला है 1666 बट्टा 5। अब जो है हम उसको लेन घटाव करेंगे।